राजस्थान में पिछले 25 सालों की परिपाटी को बदलने के लिए कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये मास्टर स्ट्रोक कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस की वो 7 गारंटियां हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस की ओर से इन गारंटियों को लेकर यात्रा निकाली जा रही है जो प्रदेश के सभी जिलों से होकर 135 विधानसभा क्षेत्र को नापेगी। चुनावी नगरी की खास पेशकश में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से दी जा रही इन गारंटियों के बारे में। आखिर क्या कुछ खास है इन गारंटियों में, क्या जनता को ये गारंटियां लुभा पाएंगी जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता में रिपीट होते हुए 25 सालों से चली आ रही बदलाव की परिपाटी को बदल देगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है कांग्रेस की ये 7 गारंटी। गृह लक्ष्मी गारंटी, इसके तहत परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 गारंटी से दिए जाएंगे। इसे गृहिणियों के श्रम को सम्मान और आर्थिक सद्रता प्रदान होगी। दूसरे नंबर पर है गोधन गारंटी, इसके तहत गोवंश पालकों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। इससे पशुपालकों को समृद्धि मिलेगी और खाद निर्माण से कृषि में उन्नति होगी और भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। तीसरे नंबर पर है चिरंजीवी आपदा राहत बीमा, इसके तहत प्राकृतिक आपदा पार्टी परिवार को 15 लाख तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। यह बीमा बाढ़, तूफान, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा कवच बनेगा। चौथे नंबर पर है अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी, इसके अंदर हर इच्छुक बच्चे को फ्री इंग्लिश मीडियम शिक्षा का अवसर गारंटी से मिलेगा जिससे बच्चे देश और दुनिया से जुड़ सकेंगे। इससे उनके अवसरों में वृद्धि होगी और अभिभावकों का भार भी कम होगा। फ्री लैपटॉप या फ्री टैबलेट, इसके अंदर राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रवेश के समय फ्री लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा जिससे शिक्षा और संचार का आधुनिकीकरण होगा और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का भाव आएगा। छठवें नंबर पर है 500 रुपए का गैस सिलेंडर। 1,04,00,000 परिवारों के लिए इसमें कांग्रेस ने देश के सबसे सस्ते 500 रुपए के सिलेंडर योजना का विस्तार करने की गारंटी दी है। अब NFSA परिवारों को भी 500 रुपए का LPG गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सातवें नंबर पर है OPS गारंटी, इसमें OPS को मजबूत करने के लिए कानून का निर्माण किया जाएगा। बीजेपी जहां पिछले 5 सालों में कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार, दुष्कर्म और पेपर लीक की घटनाओं की लीक पीट रही है, तो वहीं आने वाले 5 सालों में कांग्रेस जनता के लिए क्या कुछ करने का सपना देख रही है ये सोच जनता तक पहुंचा रही है। अब ऐसे में वक्त ही बताएगा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस की 7 गारंटियों पर विश्वास कर फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताती है या फिर भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के साथ कदम ताल करती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।